नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बेरीज में। दोस्तों, नॉलेज बेरीज की टीम आज आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई है। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करिएगा और एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों, यूनेस्को की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है धोलावीरा है, ये हरप्पन एरा सिटी है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन इन चेरापूंजी। तो दोस्तों, चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन जो है अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। तो दोस्तों, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट जो है तजाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एससीओ क्या होता है दोस्तों, एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मैनग्रोव डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैनग्रोव डे जो है 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज सैक द प्राइम मिनिस्टर एंड सस्पेंड द पार्लियामेंट। तो दोस्तों, ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर कैस सईद ने प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया विल टेक पार्ट इन द 12th एडिशन ऑफ अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन वोल्गाग्राड इन ऑगस्ट विथ विच कंट्री। तो दोस्तों, वोल्गाग्राड में जो है ऑगस्ट में इंडिया रसिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आईएमएफ न्यू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिस्कल ईयर 2021-2022। तो दोस्तों, फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ ने जो इंडिया के लिए फोरकास्ट किया है वो 9.5% है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज बीन सॉर्न इन एज कर्नाटकाज न्यू चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों, कर्नाटका के न्यू चीफ मिनिस्टर मिस्टर बासवराज बोमई हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच नेशन हैज अनाउंस्ड अ 3 ईयर ट्रेवल बैन फॉर सिटीजन विजिटिंग रेड लिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अपने सिटीजन्स पे 3 ईयर ट्रेवल बैन लगाया है रेड लिस्ट कंट्रीज को ना विजिट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये उसकी रेड लिस्ट में जो कंट्रीज हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, इंडिया, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन एंड आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स लीजेंड नंदू नाटेकर पास्ड अवे ऑन जुलाई 28, 2021 एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंटरनेशनल टाइटल इन विच स्पोर्टिंग डिसाइपल। तो दोस्तों, नंदू नाटेकर ने बैडमिंटन में इंटरनेशनल टाइटल जीता था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन विच प्लैनेट्स मून। तो दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है जुपिटर के मून गैनीमेड पे वाटर वेपर के एविडेंस डिस्कवर किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस फॉर प्रोडक्शन। तो दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के प्रोडक्शन के लिए फिलीपींस ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व। तो दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड ₹6,000 पर ईयर टू लैंडलेस फैमिलीज। तो दोस्तों, लैंडलेस फैमिलीज को 6,000 पर ईयर देने का स्कीम जो है छत्तीसगढ़ स्टेट ने लॉन्च किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री साउंडेड ए सुनामी वार्निंग आफ्टर एन 8.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑन जुलाई 28, 2021। तो दोस्तों, अर्थक्वेक के बाद सुनामी की वार्निंग अलास्का ने दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री। तो दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर श्रीलंका में पाया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप। तो दोस्तों, इंडिया के न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप का नाम अकाशा है।
जिसे राकेश झुनझुनवाला ने स्टार्ट किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी इसके लिए एविएशन मिनिस्ट्री से नोड्यूज अवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाजिम मिकाती हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों नाजिम मिकाती जो है लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज रिपोर्टेडली बिल्डिंग इट्स सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल बेस एज पर यूएस रिपोर्ट। एज पर यूएस रिपोर्ट चाइना जो है अपना न्यू न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस हाउ मच रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन मेडिकल कोर्सेज। तो दोस्तों मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस क्लास के लिए भी अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट असमीज वुमन टू एश्योर इंडियन एंड ओलंपिक मेडल। तो दोस्तों असमीज वुमन जिन्होंने ओलंपिक मेडल एश्योर किया है इंडियंस के लिए वो है लवलीना बोरगोहेन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। तो दोस्तों फर्स्ट बॉक्सर जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीता था वो है विजेंद्र सिंह। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी इज ऑल सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट। तो दोस्तों रिप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रीओपन इट्स बॉर्डर टू वैक्सीनेटेड टूरिस्ट आफ्टर 17 months ऑफ क्लोजर। तो दोस्तों 17 months के क्लोजर के बाद सऊदी अरेबिया ने अपने बॉर्डर्स फुली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करिएगा। आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए आपको गुड लक।